देखिए, मुझे लगता है कि जब हम ऐसे अनप्रेडिक्टेबल करेक्टर्स की बात करते हैं, तो आप सामान्य जीवन में भी देखिए, तो ऐसे लोग अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप हो और किम जोंग ऊन हो, इन दोनों का अपना बार बार का व्यवहार दिखाता है, जिस तरह से वो ये परमाणु सवाल बटन मैं को लेकर इसलिए रोक रही बैठे हूँ रहते क्योंकि ट्रंप का जो व्यवहार रहा है वो अपनी बात किसी ना किसी हद तक मनवाना चाहते हैं। हाँ, क्या लेकिन आपको यहाँ पर लगेगा कि ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, यहाँ पर भी मुझे ट्रंप लगता है आज? इससे दोनों बचेंगे, और मैं जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा हूं और लगातार उनके जो बयान है, दोनों इस बात से बच रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते हुए दिखें। वो दुनिया की बाधाओं की बात कर रहे हैं, आपको किसने रोका था, आप दोनों ने खुद परमाणु बटन की बात की थी, आप दोनों खुद एक दूसरे के खिलाफ व्यवहार कर रहे थे, और अभी जब इसके बाद यहां के लिहाज से 7:30 बजे और सिंगापुर के लिहाज से 10 बजे के आसपास, जब बाकायदा दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनके जो डेलीगेट्स हैं, वो बातचीत कर रहे होंगे, तो उस 1-1.5 घंटे की मुलाकात में बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन इतना तय है, जो संवाददाता भी हमारे वहां से बता रहे हैं कि किस तरह से चीजें, जो वॉशिंगटन कहें कि न्यूयॉर्क को जो कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, वो बताते हैं, निश्चित तौर पर पहले से बहुत सी बातें तय हुई, और शायद जो पहले की मुलाकात थी जिसको इन दोनों ने हाथ पीछे खींच लिए थे, उसमें वो मामले तय नहीं हो पाए थे। अब वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर कुछ सहमति बनी है, परमाणु निरस्त्रीकरण से लेकर और जो सैंक्शंस हटाने की बात है, दूसरे देशों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, और दक्षिण कोरिया किस तरह से इसको देख रहा है, इस पर अमेरिका कैसे काम करे, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा हैवी डिप्लॉयमेंट है वहां, आर्मी का बहुत से अपने इंटरेस्ट हैं, इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा सा असहमत होता हूं कि चीन को काउंटर कर पाएगा अमेरिका, मुझे इसमें सहमति नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि चीन बहुत सी चीजें खुद तय करके नॉर्थ कोरिया से करा रहा है, और इतना आसान नहीं होगा उत्तर कोरिया के लिए जी, चीन से अचानक मुंह मोड़कर कमजोर होते इस पर अमेरिका चर्चा की हर्षवर्धन तरफ आगे चले। बढ़